हेलो एवरीवन हेलो एस्पिरेंट्स कैसे हो होपफुली सब मजे में होंगे और जो सी सेट है उसका डर थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि 2023 के बाद तो काफी बच्चे डरे हुए थे ना है ना ऑफ यू पी ऑफ यूपीएससी सीसेट सेट आज का मेरा चमचमाता टॉपिक भी यही है कि यू पी सेट से क्यों डरना क्यों इतना डर बच्चों ने अपने दिमाग में बिठा लिया कि वो जीएस से ज्यादा सीसेट को पढ़ रहे जी हाँ सही सुना आपने बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चे जीएस से ज्यादा ना इस सी एस पे सॉरी सी, सी सेट पे टाइम बिता रहे हैं टाइम व्यतीत कर रहे हैं क्यों भाई आपके तो नंबर ने जुड़ने क्वालिफाई तो करना है बट अब क्वालिफिकेशन की रेस भी इतनी तेज हो गई है ना बिकॉज जैसा 2023 का एग्जाम आया ना उसके बाद जो महारथी थे ना जीएस के वो रह गए और जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज थी नंबर सिस्टम की जीएस की पेपर वन तो चलो हो ही गया था है ना जिसको नॉलेज थी क्वांट की थोड़ी सी रीजनिंग की और इंग्लिश की बेसिक बेसिक भी और थोड़ा सा अच्छा पढ़ा हुआ था वो सिलेक्टेड से टॉपिक करके भी पास हो गए तो ऐसा क्यों वाई इसी मुद्दे को इसी चीज को डिस्कस करने के लिए आज एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊ कि वाई टू अफ्रेड ऑफ यूपीएससी से सेट क्यों डरना क्यों डरना क्यों आप लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे कि डर के कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा डर के जब तक कलम नहीं उठाओगे करना नहीं शुरू करोगे सफर तय नहीं करोगे मंजिल पे नहीं पहुंचोगे मेरे दोस्तों मंजिल पे वही मुसाफिर पहुंचता है जो अपने रास्ते को अच्छे से पार करता है समझे मेरी बात अगर मैं किसी नदी को क्रॉस करना है नदी को पार करना है दो तरीके हैं तो तैर के या बोट से खड़े खड़े अगर मैं देखता रहूंगा मुझे उस पार जाना है, खड़े खड़े तो कोई दुनिया की ताकत नहीं लेके जा सकती समझ आ गई बात इसी तरीके से सी सेट का सफर सी सेट का सफर धीरे 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 पार होगा मुझे यहां से अपने डेस्टिनेशन पे जाना जो तकरीबन तकरीबन 100 किलोमीटर है टाइम तो लगेगा ना

थोड़ा प्रकाश थोड़ी रोशनी डालूंगा और उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ आएगा और फिर एंड में आपको इसका निचोड़ भी बताऊंगा मैं ठीक है चलिए सबसे पहली बात टारगेट क्या है अपना यूपीएससी चौबीस से से कवर करना सौ प्लस मार्क्स के साथ कम से कम इतना तो चाहिए बढ़िया से पेपर देंगे यार क्यों हम साठ सत्तर के उसमें रहे भ्रम में अच्छा अच्छी तैयारी करो है ना देखो सबसे पहली बात लैक ऑफ प्रैक्टिस क्यों डर है जब पेपर जैसे जैसे पास आएगा बच्चों में ना हड़कंप बचना शुरू हो जाएगा अगस्त ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है सितंबर आ गया अब क्यों ये हड़कंप क्यों मचेगा क्योंकि अब बच्चे क्या करेंगे अब वो चाहेंगे फटाफट सिलेबस कर लें फटाफट कुछ नहीं होता अगर आप आज तैयारी करने लगो जब मैं कहूंगा कि अच्छी तैयारी है जो हड़कंप जनवरी फरवरी में मचाएंगे ना कि हाय करना, करना है करना है करना है कुछ भी नहीं होगा उस टाइम उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप चंद कुछ क्वेश्चंस को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कर पाएंगे उस टाइम क्या होगा लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आप लोग मार खाएंगे कि इनफ प्रैक्टिस नहीं थी तो मेरा सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ सो so, नंबर एक क्या है इस डर को भगाइए और प्रैक्टिस करनी ही करनी है मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस मुझे करनी ही करनी है क्वानी रीजनिंग हो चाहे वो इंग्लिश का मेरा सेक्शन हो ठीक है नेक्स्ट देखिए Do not have knowledge of हैव नॉलेज ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड ऑफ ट्रेंड की नॉलेज नहीं है अगर मैं यह बोलूं कि do not have knowledge of change trend. इसका मतलब क्या है है कि मेरे पास वो जो change of trend हुआ है को लेके कि पहले एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बराबर बराबर क्वेश्चन आते थे और इंग्लिश से ज्यादा प्रश्न बनते थे मेरे बट अब क्या है आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक चौथाई पार्ट यानी वन फोर्थ यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट जो

पूरे सिलेबस को थोड़ा कवर करने की कोशिश करो तो चेंज ऑफ ट्रेंड तो हुआ है क्वेश्चंस का लेवल नो डाउट पिछले कुछ समय में दो वर्षों में वर्षों है सालों में बढ़ा बट वो ऐसा भी नहीं है कि कि आप आप ना ना कर पाओ पाओ नंबर भी ना ले लेसठ तो नहीं कहूंगा छियासठ नंबर भी ना ले पाओ वो चेंज ऑफ ट्रेंड ऐसा भी नहीं है क्या यूपीएससी नहीं चाहती आप लोग आई ऑफिसर बने क्यों वो हर साल सीट्स बोल रहे कि इतनी सीटें निकाली इतनी सीटें निकाली क्यों

ठीक है नेक्स्ट देखिए नोट आपने क्या किया नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है वो कैसे होगी देखते हैं जरा इनकम्प्लीट सिलेबस सबसे बड़ा जो रीजन है ना यूपीएससी से ना क्वालिफाई करने का वो है इनकम्प्लीट सिलेबस मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है मतलब मैंने चुनिंदा टॉपिक ही मैंने एप्टीट्यूड का देखा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई मैंने नंबर सिस्टम कर लिया बट मैंने उसके साथ एल सी एम एच सी एफ नहीं करा रीजन जो मैं बोल रहा हूँ वन फोर्थ पोर्शन नंबर सिस्टम से आ रहा है ना आपका बीस के राउंड अठारह बीस कराउंड क्वेश्चन उसके अंदर नंबर सिस्टम प्लस एल सी एम और एच सी एफ दोनों के प्रश्न है जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक घंटियाँ हैं चार घंटियाँ है, वो बज रही हैं एक टाइम पे क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है

और अपना काम खत्म हो गया कि टाइम एंड वर्क कर लिए पाइप एंड सिस्टम तो इसके जैसा ही एल से तो लेना है बट पाइप एंड सिस्टम में टाइम एंड वर्क से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझो इस चीज़ को क्लियर नेक्स्ट क्या मेरे पास फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इसका क्या मतलब है कि आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस कर लिया यानी जैसे मुझे मुझे लगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेरा ईजी आता है तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ज़्यादा समय लगा दिया नहीं आपको तीनों के तीनों सेक्शन पर इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एप्टीट्यूड ज्यादा पढ़ो मैं ये भी नहीं कहूँगा रीजनिंग पढ़ो मैं भी नहीं कहूँगा कि सारा समय इंग्लिश पे लगा दो आपको अपना टाइम डिवीजन करके चलना है और आपने क्या करना है आपने अपनी ऐसी सी सेट की तैयारी करनी है कि आपका जी का जो आप तैयारी कर रहे हो ना वो भी इफेक्ट ना उसको भी कोई असर ना पड़े क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चों में सी सेट का डर इतना ज्यादा है ना वो जी की तैयारी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं दोहरे माइंड सेट के साथ बच्चे इस टाइम लगे हुए तैयारी में तो आप वो गलती मत करो इस वीडियो को देखने के तो टेस्ट। क्लियर? के मेरे इग्नोरिंग मॉक टेस्ट बताएगा कि आप कहा स्टैंड कर रहे हैं आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है बिकॉज बिना मॉक टेस्ट के ना बहुत रेयर चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ या इवन क्वालिफाई भी कर पाओ क्योंकि मॉक टेस्ट लगाते हैं ना आपको पता चल जाएगा और क्वालिटी के मॉक टेस्ट की बात करूंगा मैं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर से कुछ डेटा लिया हो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हो ऐसे क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट आपको यह बताएंगे कि कहां पे कमी है और उस कमी को ही मुझे पूरा करना बच्चों ठीक है नोट हैविंग प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अब मेरी बात सुनो अब आपके पास टू आवर है एट्टी क्वेश्चन है ठीक है यानी एक सौ बीस मिनट अब एक पुअर टाइम मैनेजमेंट क्या बोलती है एक पुअर टाइम मैनेजमेंट क्या बोलती है कि दो घंटे में अस्सी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे है ना दो घंटे में अस्सी क्वेश्चन होते हैं टाइम भी बचता है बच्चों का बट वो सिर्फ उनका रिवीजन का टाइम बचता है जिनको अच्छी प्रैक्टिस होती है मैं अभी बताऊंगा आपको कोई खास बात नहीं बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं हंड्रेड प्लस स्कोर भी करते हैं सी सेट में और जी एस पेपर वन में भी बहुत बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं वन टू दोनों में उनकी स्ट्रैटर्जी सिंपल से एक होती है उनकी सिंपल एक स्ट्रैटर्जी होती है क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए कि उनको पता है कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा उसको जल्दी से स्किप कर लूँ डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन मतलब किसी एक प्रश्न पे इतना समय मत लगाइए कि अगला क्वेश्चन के लिए जो टाइम है वो आप वहीं पे ख़राब कर दो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेढ़ मिनट मिल रहा है आपको नब्बे सेकंड मिल रहे हैं क्वेश्चन को करने के लिए बट अगर वही आपने एक ही क्वेश्चन पे दो से तीन चार मिनट लगा दिए तो इसका मतलब आपने अगले दो क्वेश्चन का टाइम भी खराब कर दिया तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो स्ट्रैटी है ना आपकी सबसे मेन पॉइंट है वो आपका टाइम की मैनेजमेंट कि अब टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में मुझे कितने क्वेश्चन अच्छे करने डिपेंड आप पे करते हैं बच्चे कई बार कहते हैं कि सर अटैम्प्टन अच्छी हुई अटैम्प्टन हुआ था बट हुआ नहीं बट इज़ अटैम्पटेशन अटैम्पटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती ओनली द थिंग मैटर इन द एग्जामिनेशन नॉलेज आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं उसमें दैट्स इट अटैम्प्ट तो मैंने कह दिया भाई एट्टी के एटी अटैम्प्ट है अगर मेरे अस्सी में से चालीस क्वेश्चन भी ठीक है तो फ़ायदा क्या उसका सोच के देखिए समझा कि बात और नेगेटिव मार्किंग भी है तो जो क्वेश्चन नहीं आता जस्ट स्किप बात खत्म उसको बाद में देखिए आपको लग रहा है ज्यादा समय व्यतीत होगा छोड़ दीजिए बाद में देख लीजिए बट जो क्वेश्चन अपने हाथ में है उन्हें तो हम अच्छे से करेंगे ठीक है चलिए ओवर अटैम्पटेशन दूसरा जो सबसे बड़ा एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया दूसरा फैक्टर जो है ना जो बच्चों को सीसेट से आउट करवा देता है वो सबसे बड़ा ओवर अटैम्पटेशन कि बच्चे क्वेश्चन को ओवर अटैम्प्ट कर जाते हैं मतलब तुक्का मारना जिसे बोलता हूँ मैं कि हाँ यार यही आंसर होता था, था लगा दो जब तक किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से ना आ जाए आप 100 परसेंट या 200 परसेंट पक्के नहीं हो कि यही आंसर है डोंट मार्क दैट क्वेश्चन मार्क आंसर ध्यान से सुन लो क्योंकि आपने क्या किया अगर कोई क्वेश्चन गलत किया तो आप क्या कर सकते टू एंड हाफ मार्क्स तो गए गए जो ठीक हो सकता था प्लस इसका वन थर्ड भी गया तो आपके वन थर्ड नहीं गए ये सोचो ढाई नंबर एक्स्ट्रा गए हैं आपके जो क्वेश्चन आप ठीक कर सकते थे वो आपने ओवर अटैप्टेशन की वजह से खराब कर दिया अपना काम तो ओवर अटैम्पटेशन बिल्कुल नहीं एग्जामिनेशन ध्यान रख लो क्वालिटी के अच्छे क्वेश्चन करोगे ना कम भी करोगे अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे बेटा बट अगर ओवर अटैम्पटेशन करोगे मैंने ऐसा ऐसा देखा है बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं सत्तर अस्सी मार्क्स हैं बट ओवर अटैम्पटेशन की वजह से नेगेटिव मार्किंग होते 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 वो साठ बासठ पैंसठ रह गए और बच्चा एक आधे नंबर से रह गया तो आपके साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो चौबीस में तो प्लीज ओवर अटेमेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी इज क्लियर इज क्लियर तो ये कुछ फैक्टर्स थे ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे जो आपको सीसेट दो हजार चौबीस में अब ओवरकम करने इसका मतलब ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है एंड में मॉक टेस्ट भी लगाएंगे हम टाइम की मैनेजमेंट को भी समझेंगे कैसे करना है समझ रहे हैं बट कैसे देखिए अभिमन्यु आई हमेशा से ही बच्चों के लिए प्रेरित है मतलब बच्चों को प्रेरणा देता है कि आप और अच्छा करिए समझ आ गई मेरी बात अब होगा क्या जब आप सी सेट की तैयारी डिले करेंगे ना जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा उतना कम टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए डन इसी में अब मैं ये बोल लूंगा कि अभी से इसकी तैयारी अब शुरू कर दो क्योंकि जितना कम टाइम मिलेगा उतनी हड़बड़ाहट ज़्यादा होगी पेपर के लिए डन सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इस वीडियो को उन बच्चों तक तो पहचाओ जिन्होंने भी तैयारी शुरू नहीं की है थैंक यू